ग्वालियर में शिंदे की छावनी की रहने वाली राजकुमारी राजपूत के चेहरे पर आज 10 साल बाद खुशी देखने को मिली है। उनकी भू माफिया द्वारा कब्जाई गई जमीन को कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने मुक्त कराने के बाद रात को रजिस्ट्रार खुलवा कर उनकी रजिस्ट्री करवाई है और ये ग्वालियर में पहली बार हुआ है। माफिया अभियान की बात है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने 6 डंपर एक साथ कल पकड़े थे माइनिंग के, उन पर भी जुर्माना कर रहे हैं। इसके अलावा कल्लू खान और नेहरू वाल्मीकि, इन दो लोगों पे 50 से ज़्यादा, एक पे 56, एक पे 34 मुकदमे दर्ज थे। उनके सरकारी जगहों पर जो 2 घर बनाए गए थे उनको जमींदोज कर दिया है। इसके अलावा जो ज्ञान सिंह यादव ने 2 हितग्राहियों को, एक का प्लॉट जो है छीन लिया था, वो दूसरे को बेच दिया था, वो 2,80,000 में ख़रीदा था और जब उसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए हो गई तो उनकी नीयत ख़राब हो गई, तो वो वापस रजिस्ट्री उनकी करवा दी है। इसके अलावा जो एक व्यक्ति का प्लॉट उन्होंने ले लिया था और दूसरे को बेच दिया था, 10 लाख रुपये उनसे लिए थे, ब्याज सहित 15 लाख रुपये उनके लौटा दिए। तो एंटी माफिया अभियान में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हम सिंधी की छावनी रहती हैं। क्या मामला था जो आपको कब्जा मिला रात में? हमने एक प्लॉट लिया था सागर ताल रोड पे ज्ञान सिंह यादव से, वो उसने किसी पेट्रोल पंप वाले को बेच दिया और काफ़ी उससे विनती की हमने, जब उसने एक प्लॉट दिया हमें उस पर भी ना उस कब्जा नहीं करने दे रहा, हमारी बाउंड्री है, टीन सेट है उस पर, तो उस पर जाने नहीं दे रहा था, बंदूक लेके आ जाता। फिर हमने यहाँ आवेदन दिया कलेक्ट्रेट में, तो यहाँ से हमें कलेक्टर साहब ने मदद किया हमारी। क्या रजिस्ट्री हुई आपकी? हाँ, इन्होंने हमारी रजिस्ट्री करवाई। रात में हुई थी? रात में रजिस्ट्री हुई थी। अभी आपकी ज़मीन कितने में ली थी और कितनी कीमत हो चुकी है ज़मीन की? लगभग 2.5 लाख में ली थी हमने। अब कितनी कीमत लग रही है? अब 1.5 करोड़ बता रहे हैं ये। तो आप यहाँ क्या समस्या लेके आए थे अभी, क्या रजिस्ट्री को लेकर? हमारी वो रजिस्ट्री नहीं कर रहा था तो रजिस्ट्री के उसमें आए थे हम लोग। रजिस्ट्री हो रही है? हाँ, रजिस्ट्री हो गई है हमारी। आपने मदद मांगी है कि रजिस्ट्री के पैसे भी दिलवाए जाए? फिर वो बोले अच्छा पीछे वाले प्लॉट की रजिस्ट्री करवा दो, तो हम ऑप्शन दे दिए। हाँ, लेकिन तो आगे थाना अपना इसलिए वो पीछे का बोल रहा है, बात सही है नहीं, कोई आपका लीगल था, उसकी रजिस्ट्री भी सरकार के खाते में जमा करके साहब को तो फिर आओ धन लो किसी से, वो तो इन्वेस्टमेंट है। हाँ, 3 महीने में आपके बराबर हो जाएंगे। अब ऐसे कोई संविधान में नहीं लिखा सब बराबर है, कि कोई ब्राह्मण है तो चपरासी नहीं बनेगा, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। शिक्षा के बाद में भी अगर हो जाए, चलिए मैं देख लेता हूँ, जो बेस्ट होगा वो। मैं कब आपसे बात?